मैंने जैसा कि फिल्म में भी देखा और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर बातें भी होती रहती हैं कि मॉडल्स को या लोगों को फिल्म में आने के लिए इस तरह से कास्टिंग काउच जैसा कि आपने अच्छा मेरी फिल्म में एक सेकंड हाँ मेरी फिल्म में एक्सपोज का बताया है कास्टिंग काउच नहीं बताया जी बिल्कुल एक्सपोज का भी है एक्सपोज जैसे उस ज़माने में जैसे ज़मीन अरमान और सलमा परवीन बाबी जी उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था एक्सपोज करने का बिकिनी पहनने का बट आज के ज़माने में आई डोंट थिंक इट इज़ समथिंग न्यू एवरीवन हर गाने में या हर फिल्म में कुछ ऐसा देखेंगे इट्स नॉट न्यू फॉर आवर जनरेशन आई बट उस ज़माने के लिए था उस ज़माने में ये वर्ड आया था एक्सपोज तो उस पर ये फिल्म है कि जब वो एक्ट्रेसेस ट्रेंड सेटर बनी थी अपने ज़माने में जब लोग साड़ियाँ पहनते थे और घूंघट में रहते थे तब वो बिकिनी पहनकर उन्होंने ट्रेंड सेट किया था तो उस पर है ये फिल्म उन मेरा जो किरदार है वो उस एक्ट्रेस पे जो ट्रेंड सेटर बनी है बट आई थिंक आजकल के ज़माने में इट्स ऑल वेरी कैजुअल वेरी नॉर्मल टू वेयर अ बिकिनी मैंने पहनी है मिस इंडिया के दौरान स्विम सूट राउंड होता है सारी लड़कियाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम में होती हैं या बिकिनी में होती हैं स्टेज पे जहाँ पर इतनी सारी लाइव ऑडियंस होती है सो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द जॉब एंड इट्स नथिंग न्यू फॉर टुडेज जनरेशन